भारतीय सिनेमा की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक मधुबाला ने सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर दिया था। मधुबाला की जिंदगी भले ही कम रही है, लेकिन उनकी कलाकारी काफी बड़ी रही है। उन्होंने देश और दुनिया में काफी नाम कमाया है। मधुबाला ने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं जो हमेशा लोगों के जहन में रहती हैं। मधुबाला का साल 1933 में दिल्ली में जन्म हुआ था और उनका साल 1969 में मुंबई में निधन हो गया था। मधुबाला ने जो 36 साल जिंदगी जी है, इसमें उनकी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। क्या आपको मालूम है कि मधुबाला दिलीप कुमार को बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो पाए। इसके बाद मधुबाला की करीबिया शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही से बड़ी, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। आखिर में मधुबाला ने एक्टर और सिंगर किशोर कुमार के साथ शादी कर ली। जब मधुबाला ने शादी की थी तब उनकी उम्र 27 साल थी। इस दौरान पता चला कि मधुबाला को गंभीर बीमारी है और डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 साल का समय है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को एक बंगलो में शिफ्ट कर दिया और उनसे मिलना जुलना कम कर दिया। बताया जाता है कि किशोर कुमार ने ऐसा इसलिए किया ताकि मधुबाला के जाने के बाद उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। मधुबाला अपने आखिरी समय में काफी अकेली पड़ गई थी। मधुबाला को लेकर कहा जाता है कि साल 1969 में जब उनकी छाती में तेज दर्द हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि उनका अंतिम समय आ गया है, वह काफी कमजोर हो चुकी थी और उन्होंने काफी मेकअप किया हुआ था। मुंबई में निधन के दौरान मधुबाला के पास सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मधुबाला के माता पिता और शक्ति सामंत।